अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो मैंने कुछ सामान ख़रीदा था, मैं गई थी मार्केट। तो ये कुछ मैं प्लास्टिक वगैरह लेकर आई थी, कोन लेकर आई थी 5 मिनट वाली। मैं अपने हस्बैंड के लिए सेल में से लेकर आई थी शूज़, तो उनमें बहुत ज़्यादा थिन वाले सॉफ्ट डले हुए थे जिसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उन्हें। तो मैं गई थी मार्केट तो वहाँ पर मोची भैया दिखाई दिए थे, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीद लिए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेट आ रहे थे थोड़ा सा वो, तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मुझे दिखाई दिए तो मैंने ले लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप का सामान लेकर आई थी, और एक ये फ़ैन ब्रश मैंने लिया था छोटा वाला, और एक वाइट वाला मैंने काजल लिया था। ये देखिए फ़ैन ब्रश इस टाइप का मेरे पास नहीं था, ये छोटा वाला फ़ैन ब्रश था, और बड़ा वाला मेरे पास था, और ये स्विस ब्यूटी का था, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट था ये। और उसके बाद में एक वाइट काजल मैंने लिया था, और एक जो मैं सेट ख़रीद के लाई थी उसकी डोरी मुझे पसंद नहीं आई थी, तो उन्हीं भैया से ये भी सामान मैंने परचेज़ किया था। तो डोरी भी मैं एक लेकर आई थी एक्स्ट्रा उन्हीं से, और ये ब्रश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बट अच्छा है ये ब्रश। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ख़रीदी थी, ये कुछ हरी मिर्चें ली थी मैंने जो कि मुझे भरनी थी, भरवा मिर्चें बनानी थी, और ये टमाटर, कुछ दूसरी तरह की हरी मिर्चें, अदरक वगैरह जो कि मोस्टली यूज़ में आती हैं सभी सब्ज़ी बनाने के लिए। और नीचे बास्केट में मैंने सारी वेजिटेबल वॉश करके रख दी थी, और इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रख दिया था ताकि ईज़िली मैं ले लूँ, और फिर भी मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ। बट सब्ज़ी वाले बिल्कुल नहीं आ रहे थे यहाँ पर, और सब्ज़ी मैंने फिर मार्केट से ही ख़रीदी थी, जहाँ से मैं सामान लेकर आई थी वहीं पर सब्ज़ी की भी मार्केट है, तो वहाँ से ही सब्ज़ी बाई की थी, गोभी, अरवी, आलू और लौकी, ये सभी चीज़ें ली थी वहाँ से। और ये कुछ मेरे पास बर्तन थे जो मैंने निकाले थे, ये एक्स्ट्रा थे मेरे पास जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने इनको एक साइड पर निकाल लिया था, और यहाँ पर इनकी जगह पे दूसरे वाले ये कप्स सेट कर दिए थे मैंने। और ये ग्लास की शेल्फ थी, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स पड़ जाते हैं, अगर कोई चीज़ वॉश करके इस पर रख देते हैं तो यहाँ पर स्पॉट्स आ जाते हैं और काफ़ी गंदा हो जाता है ये। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से सारी क्लीनिंग इसकी कर दी थी, सारे बर्तन नीचे उतार के और अच्छे से इसको क्लीन किया है, उसके बाद सारे बर्तन मैंने इस पर लगा दिए थे। उसके बाद में हम आ गए थे डी मार्ट, और थोड़ा सा हमें शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी शॉपिंग। और जैसे कि दीपावली के एक दिन पहले की ये वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और ये एक सेक्शन था पूरा नूडल्स का, हक्का नूडल्स थे, मैगी थे, और यहाँ पर एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ जो मैंने अब से पहले यहाँ नहीं देखी थी वो था ये लच्छा पराठा। शायद इसमें 4 से 5 लच्छा पराठा था, और ये सेक्शन था बटर का, पनीर का और चीज़ का। और ये देखिए काउंटर पे इतनी लंबी लाइन थी, आज बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, वेयर इज़ द एग्ज़िट समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी भीड़ थी ना आज बहुत ज़्यादा। दीपावली की वजह से काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे, बट भीड़ की वजह से कुछ नहीं मिल पाए। और ये मैंने बाहर से थोड़ी सी वीडियो ली है, और थोड़ा सा ही सामान लिया था मैंने, छोटे छोटे से 2 बैग्स थे। और यहाँ पर हम अभी खड़े हो गए तो इतना इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर लगाई हुई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर, सभी जगह लाइटिंग लगी हुई थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे चिली पटेटो लेने के लिए, उन्होंने कहा था कि चिली पटेटो खाएंगे और मन था उनका खाने के लिए, तो वो लेकर आए थे चिली पटेटो, बट बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी थे, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, मुझे घर के ज़्यादा पसंद है जो मैं बनाती हूँ ना, तो इसमें कैप्सिकम दिखाई दे रहा था, बहुत कम इसमें कैप्सिकम था, सिर्फ आलू और इसमें प्याज नज़र आ रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आए। उसके बाद में हम आ गए थे घर के लिए, और यहाँ पर भी देखें कितनी ज़्यादा लाइटिंग और कितना प्यारा लग रहा था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ये देखें मैंने यहाँ पर इस तरह से एक रोप बांधी थी, और उसमें मैंने फिर यहाँ पर कपड़े सारे डाल दिए थे,
और सामने छत पे भी कपड़े पड़े हुए थे काफ़ी सारे, और ये देखें काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने वॉश किए थे। उन सभी को मैंने यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया था फैन ऑन करके। और उसके बाद में मैंने बनाई थी मैगी। ये देखें मेरे बेटे का मन था मैगी खाने का रात में, तो और उसको इतनी ज़्यादा भी गर्मी लग रही है कि वो रात में भी ऐसे ही घूमता रहता है। और ये फुल स्लीव्स के और पजामी वगैरह ये पहनने के लिए कपड़े रेडी ही नहीं है, इसको ज़्यादा गर्मी लग रही है आजकल मेरे बेटे को। और ये देखें मैगी खाने में ये मस्त है, इस टाइम उसको मैगी मिल गई है बस। और उसके पापा भी थोड़ी सी ले रहे थे मैगी। और ये देखें यहाँ पर उसकी फेवरेट मूवी उसने प्ले की हुई है फ़ोन में, और तारे ज़मीन पर जो कि उसे देखता रहता है। ये काफ़ी अच्छी मूवी है, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, और काफ़ी ज़्यादा पसंद है हमको ये मूवी, हम सभी देखते हैं कभी कभी साथ में। और उसके बाद में मैंने मॉर्निंग के टाइम हलवा बनाया था। ये देखें मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था हलवा खाने का, तो मैं डीमार्ट से बारीक वाली सूजी भी लेकर आई थी, तो मैंने हलवा बनाया था इलायची वाली चाय के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखें मैं इसको भून रही थी सूजी को लो फ्लेम पर, और काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी थी इसमें, मैंने घी भी डाल दिया था। और उसके बाद मैं इसको भून रही थी, भूनने में ही थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, अदरवाइज ये काफ़ी जल्दी से बन जाता है। हाँ, तो उसको भूनने के बाद में फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, ये देखें, और इसमें इलायची डाला था मैंने, थोड़ा सा सैफ्रन डाला था, और डाली थी मैंने इसमें शुगर, थोड़ा सा घी मैंने डाला था। और ये देखें हलवा बनकर एकदम रेडी था, और ये इलायची वाली चाय, और बहुत ज़्यादा यमी नाश्ता बनकर रेडी हो गया था। और इसके बाद में हमने एंजॉय किया था नाश्ते को। उसके बाद मैंने एग बनाए थे, एग बॉईल किए थे अपने बेटे के लिए, और उसको बनाए, इसको ऑनियन हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मैंने इस पे डाला था, और ऊपर से डाला था मैंने केचप। और ये मेरे बेटे को ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है, और उसको कभी भी मैं दे सकती हूँ, वो कभी भी खा सकता है इसको, इतना पसंद है उसको। तो ये मैंने उसके लिए बनाया था स्पेशली, और थोड़ा थोड़ा सा हमने भी लिया था मेरे हस्बैंड ने और मैंने, मेरे हस्बैंड चले गए थे साइड पर उसके बाद में। और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा टेस्ट से खाया, और ये एक ऐसी चीज़ है उसे अच्छी तरह से फिनिश करता है वो, और बहुत ज़्यादा टेस्ट से खाता है। उसके बाद में उसने ये इंजॉय किया था, हलवे से भी ज़्यादा उसको ये फेवरेट है हलवा, वो हमेशा नहीं खा सकता है, और इसको वो किसी भी टाइम खा सकता है। उसके बाद में शाम में मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो समोसे लेकर आए थे हमारे लिए, ग्रीन चटनी और ये रेड वाली चटनी लेकर भी आए थे साथ में, और समोसे एकदम गरम थे और हमने एंजॉय किया था। ये देखें काफ़ी सारे समोसे लेकर आए थे वो। और अगर ये आज का छोटा सा मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।